बच्चा समझ कर लूट लो, अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, आज माल खोल दिया, अरे हीरोइनों वाली साड़ियाँ चुन्नी कम दाम में ले जाओ, अरे यहाँ से खरीदो भैया वरना महंगा पड़ेगा, अरे लगा दिया है महंगा माल सस्ते में, ले जाओ। अजी देखिए ना कितनी सुंदर साड़ी है, मुझे ये वाली साड़ी दिलवाइए ना, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। हाँ हाँ जरूर, अरे लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये लाल साड़ी खरीदो, इसमें तुम बहुत ही दुल्हन लगोगी। आप भी ना, चलिए ये लाल साड़ी ही दिलवा दीजिए। सभी पति पत्नियों के जोड़े ही बाजार में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि एक दिन बाद ही करवा चौथ था। कहीं आरती की थाल छलनी और दिए बिक रहे थे, तो कहीं साड़ियां श्रृंगार का सामान और गहने, और सभी सुहागन औरतें अपने अपने पतियों के साथ उन्हें खरीदती फिर रही थी। अजी देखो ना कितना सुंदर हार है, ये मेरे पर बहुत अच्छा लगेगा, मुझे दिलवाइए ना। सुंदर तो है लेकिन तुमसे कम सुंदर है। आप भी ना, हमेशा ही मेरी इतनी तारीफ करते रहते हैं। इसी तरह से पूरे बाजार में रौनक ही रौनक छाई हुई थी। करवा चौथ की वजह से पूरे बाजार में लाइटें जल रही थी और सभी बहुत खुश थे। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसा भी था जो बहुत ही ज्यादा दुखी था। मेरे आंखों में से खुशियों की बत्तियां, इंसानों की हंसी खुशी की आवाजें चुभ रही है। मेरे नसीब में ये खुशी नहीं थी, आखिर मेरे भी सीने में दिल है, मैं इंसान न सही एक चुड़ैल हूँ, तो क्या हुआ। बाजार के किनारे एक बड़े से बरगद के पेड़ पर ये नजारा देखते हुए चुड़ैल जोर जोर से रो रही थी कि तभी उसके पास उसकी साथी दूसरी चुड़ैल भी आ जाती है। अरे ये क्यों फटे हुए ढोल की तरह बजे चली जा रही है, कुछ बोलेगी भी क्यों, इस तरह अपना कल फाड़ रही है, अब बोलने के लिए बचाई क्या है। तुम खुद अपनी आंखों से देखो कैसे यहाँ चारों तरफ लोगों की भीड़ है। आरती ने अपनी शातिर नजर सभी तरफ दौड़ाई। अच्छा तो तेरा इंसानों को मारने का दिल है, चल शिकार करने चलते हैं। नहीं नहीं रुक जा, सही में तू बैल बुद्धि है, तुझे हमेशा शिकार की ही क्यों पड़ी रहती है, मैं किसी और आवाज से दुखी हूँ। देखिए दुखी शब्द हम भूत चुड़ैलों के लिए नहीं है, हम सिर्फ ये शब्द लोगों को देना जानते हैं, अपने ऊपर लेना नहीं, समझी तू। बहुत बदमाश किस्म की चुड़ैल है, लेकिन क्या जानना नहीं चाहती कि तेरी सहेली क्यों दुखी है, चल बता दे। कल करवा चौथ है और मैं उसे रखना चाहती हूँ, बस इसलिए मेरा मन दुखी है। करवा चौथ, ये वो दिन है जिसे मैं मर कर भी नहीं भूल सकी, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे भयानक दिन। अब क्यों रो रही है, अब तो तेरी इंसानी जिंदगी खत्म, तो ये सब कुछ भी खत्म। नहीं अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, मैं आज भी अपने पति के लिए ये व्रत रखना चाहती हूँ। क्या पागल है रे तू, कुछ भी समझ लेकिन मैं ये व्रत रखूंगी और तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी मेरे पति को ढूंढने में। ए पागल है क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, तू सच में एड़ी हो गई है, मुझे लग रहा है तेरे सर के स्क्रू ढीले हो गए हैं। तुझे मेरी कसम, तुझे मेरी खातिर ऐसा करना होगा वरना। अभी संजना ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे बाजार में ही पति पत्नियों की भीड़ में अपना पति भी एक औरत के साथ दिखाई दिया। रहने दे, तुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो रहा मेरा सुहाग, मेरा पति जिसके लिए मैं व्रत रखूंगी। किधर वो गंजा क्या, अरे नहीं नहीं वो टकला नहीं, वहाँ दे चूड़ी वाले की दुकान पर, वो जो नीली शर्ट वाला आदमी है ना। अच्छा तो वो कान खजूरा तेरा पति था, अरे तू तो चुड़ैल रूप में भी उससे ज्यादा सुंदर लग रही है। चुप कर, अब मैं इन्हीं के लिए अपना व्रत रखूंगी। ऐसे बोलकर संजना ने अपना इंसानी रूप ले लिया। कहाँ जा रही है,
श्रृंगार का सामान खरीदने। अब व्रत रखूंगी तो उसकी जरूरत तो होगी ना। ऐसे बोलकर वो चुड़ैल इंसानी रूप में खरीदारी करने निकल गई और बहुत कुछ अपने लिए खरीद लाई। करवा चौथ के दिन। सजना तेरे लिए सजना, ये चूड़ी कंगना बस तेरे लिए पाई है। हाँ है संग तेरे है जीना मरना, कसम मैंने खाई है। अरे बहन, किसके लिए इतना सोला श्रृंगार कर रही है? उस आदमी के लिए जो तेरे मरते ही दूसरी बीवी ले आया। उसी के लिए क्यों? वैसे मैं तो कहूँगी कि अभी भी संभल जा, ये हम भूतों चुड़ैलों के काम नहीं है। चुप कर और मुझे तैयार होने दे, चांद बस निकलने ही वाला है। संजना ने भी पूरे दिन भूखी प्यासी रहकर बिल्कुल इंसानों की तरह अपना व्रत रखा और वो सुर्ख लाल रंग की साड़ी पहनकर, खुद को बिल्कुल गहनों से लाद कर, बहुत सारा मेकअप लगा कर, बिल्कुल दुल्हनों की तरह तैयार हो चुकी थी और उस रूप में वो पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी। वाह, आज तो मुझे भी तुझसे डर लग रहा है। तेरा इंसानी दूल्हा तो कहीं तुझे देखकर स्वर्ग ही ना सिधार जाए। ज्यादा मत बोल वरना अभी तुझे पाताल पहुंचा दूंगी। चल अब मैं चलती हूँ, मेरा व्रत खोलने का समय हो गया है। संजना अपनी शक्तियों से हवा में उड़ती हुई अपने पति की छत पर पहुंच जाती है, जहां उसने देखा कि उसका पति संजीव अपनी इंसानी पत्नी का व्रत खुलवा रहा था। संजीव जी, मैं आ गई। कौन बोला? मीरा ने पलट कर देखा तो वो चुड़ैल को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। ये कौन है? मीरा, मीरा उठो, कौन है? कौन है तू? और यहाँ क्या किया तूने? तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? एचवेल, दूर रहना मुझसे, दूर रहना। ऐसे कैसे? पहले अपना नाम पता तो बता दूं। लेकिन एक मिनट, यहाँ नहीं, कहीं और। चुड़ैल ने संजीव का हाथ पकड़ लिया और वो उसका हाथ पकड़ कर हवा में उड़ने लगे। संजीव भी उड़ रहा था। कहाँ ले जा रही है मुझे, कहाँ ले जा रही है? वहीं जहाँ मुझे ले जाने का वादा किया गया था। ऐसे बोलती हुई संजना संजीव को चांद पर ले गई। ये चांद की दुनिया है, असली चांद की दुनिया। अब कुछ याद आया या फिर ये संजना कहानी को रिपीट करे? संजना ने जैसे ही अपना नाम लिया, संजीव को सब कुछ याद आ गया। करवा चौथ का ही दिन था और संजना ने ये खास व्रत भी रखा था। संजीव जी आइए, छत पर चलते हैं, चांद निकल गया है। अरे संजना, छत पर चांद देखकर तो सभी लोग व्रत खोलते हैं। चलो मैं आज तुम्हें चांद पर ही ले जाकर तुम्हारा व्रत खुलवाऊंगा। ऐसा क्या? मेरे साथ चलो। संजीव संजना का हाथ पकड़कर चल पड़ा। संजना भी बहुत खुश थी, वो उसे हाथ पकड़कर पनघट पर ले आया। ये हम कहाँ? जरा कुएं में देखो। जैसे ही संजना ने कुएं में देखा, संजीव ने उसे धक्का मारकर कुएं के अंदर गिरा दिया। बचाओ बचाओ संजीव जी। अब मरने के बाद ना, तो चांद सूरज सभी जगह पर व्रत खोलना और मैं रहूंगा अब अपनी पसंद की औरत मीरा के साथ, तू यहाँ पर मर। ऐसे बोलकर संजीव संजना को कुएं में मरने के लिए छोड़ गया। बेचारी संजना तड़प तड़प कर वहीं पर मर गई और फिर उसकी आत्मा चुड़ैल के रूप में लौट आई। अब तो शायद सब कुछ समझ आ ही गया होगा। तुम मरने के बाद भी मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ हूँ और पड़ी रहूंगी। वैसे ये बातें बाद में करेंगे, अब पहले जल्दी से मेरा व्रत खुलवाओ। संजीव चाहता तो नहीं था, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी संजना का व्रत खुलवाना पड़ा। व्रत खोलने के बाद, वाह, मेरा व्रत आखिर पूरा हो गया और अब तुझे भी मरना होगा, गद्दार इंसान। नहीं नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैंने तुम्हें मारा जरूर था, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे नहीं, मैं मीरा से प्यार करता था। मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवाई थी, लेकिन चुप कर, आज तू जरूर मरेगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज।
संजीव चुड़ैल के आगे गिड़गिड़ाने लगा। संजना को उस पर दया आ गई और वो बोली, ठीक है, मैं तुझे नहीं मारूंगी। एक इंसान होकर तूने तो इंसानियत को खो दिया था, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुझे डरा रही थी। ये सुनकर संजीव की आंखें फट गई। संजना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस धरती लोक पर ही छोड़ दिया। संजीव को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद से फिर कभी भी संजना लौट कर नहीं आई और संजीव मीरा के साथ खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हमसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें भी बदले में प्यार ही देना चाहिए।